हमारा रूम ये है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। जब हम लोग चार लोग हैं तो ये अपना रूम। ये रूम आप भरोसा नहीं करोगे कि हमें दीप उत्सव के टाइम में देते हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे यहाँ कम ले लीजिए। ऐसा कीजिए दोनों का, ठीक है दोनों को दीजिए और कंट्रोल को मैसेज करिए। ये उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, ये कॉमन रूम है, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, ये फ्री वाला है। इस वीडियो के लिए सबको बजाइए ताली, आ रहा है दिवाली। और इस दिवाली हम हैं विधान है, साथ ही साथ तापोस है, तापोस आप लोग सब मिलके तीनों, और एक मोटा भी आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं आसनसोल से अयोध्या। तो पहले हम लोग यहाँ आसनसोल से धनबाद जाएंगे, फिर हमें धनबाद से टिकट मिला है। भाई जान रहे हो छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, टिकट का कोई उपाय है नहीं। तो धनबाद से हमें ट्रेन मिला है और अभी हम लोग शक्तिपुंज से जाएंगे 11448 से और धनबाद जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको सब बताएंगे कि आसनसोल के, अगर आप हो आसनसोल के नागरिक हो, रानी करके हो, तो आप कैसे अयोध्या जा सकते हो और अयोध्या में रुकने का क्या उपाय है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं धनबाद, और धनबाद से हमारा जो दूसरा ट्रेन है वो 9:50 में खुलेगा, ठीक। हम लोग जाएंगे डायरेक्ट अयोध्या फिर यहाँ से। तो अभी क्या है कि 2 घंटा बचा हुआ है, तो हम लोग जाकर वेटिंग रूम में स्टे करेंगे, एसी वेटिंग रूम का। तो धनबाद में कहाँ है वेटिंग रूम और कितना क्या प्राइस है, क्या कंडीशन है, सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। तो चलो आगे आपको बताता हूँ। धनबाद जंक्शन, चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग गेट नंबर 1 से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, प्रवेश द्वार है। इधर आप देखो टिकट कटने का जो एरिया है, और इधर पे आपका इंक्वायरी वगैरह का जगह है, जहाँ पे आप देख सकते हो आगे में बोर्ड है कौन सा ट्रेन कब आएगा, किस समय में आएगा। और अभी हम लोग चलिए देखते हैं कि कहाँ पे वेटिंग रूम है। यहाँ पे देख सकते हो अभी तापसदा गए हैं पूछने के लिए कि वेटिंग रूम कहाँ पे है। ये जस्ट आपका इंक्वायरी ऑफिस है, जस्ट गेट के सामने, गेट नंबर 1 के सामने। अंदर आओगे गेट नंबर 1 से धनबाद में, तो आपका ये इंक्वायरी ऑफिस है और ये रिटायरिंग रूम, फिर ये सारा काउंटर है। फिर देखो यहाँ से आप जाओगे प्लेटफॉर्म में, और यहाँ एक गली है, इसी से हम लोग को चलना है अंदर। तो देखो सबसे पहले उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम ही है, ये महिलाओं के लिए है। फिर आरक्षित कक्ष है, उसके बाद हमारा स्टेशन प्रबंधक है। ये उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, ये कॉमन रूम है, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, ये फ्री वाला है, और ये भी एसी है, स्टील चेयर्स है। तो गाइस ये तो कॉमन वेटिंग रूम था, ठीक है, आपको हमने दिखा दिया। और अगर आप सोफा वाला लोगे तो ये सोफा वाला है, ठीक है, ये सोफा वाला है। और यहाँ पे क्या सीन है ना, आपका जैसे पीएनआर नंबर लिया जाएगा और 10 रुपये लगता है प्रति घंटा का, 10 रुपये प्रति घंटा का लगता है, और सेम है एक तरह से, ठीक है। अच्छा धनबाद में ये सेम है क्या तापसदा? सेम है, मतलब ये मुझे लगता है ये कॉमन वाला है, कॉमन वाला, इसमें कोई मतलब हाँ पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, और सोफा वाला में एक चीज याद रखिएगा, 10 रुपया लिया जाता है, ये बिल्कुल फ्री है। जो लोग स्लीपर क्लास में आते हैं उन लोग के लिए अलग है, जो लोग एसी में है उन लोग एसी के लिए अलग है। मुझे देखा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था एसी वेटिंग रूम, और यहाँ का मतलब स्लीपर के लिए आई थी कॉमन। हाँ, तो वहाँ पर ऑनिक जो है वहाँ एसी के लिए, जो लोग एसी में टिकट है उसी लोग। हाँ बट ये फ्री है बिल्कुल, मतलब अभी कोई पैसा कुछ कोई ले नहीं रहा है, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जनरल में भी हो तो आप तब भी आ सकते हो। तो चलो अंदर दिखाते हैं आपको, ये कुछ अपना वेटिंग रूम। विधान दा फोन चार्ज कर रहे हो? चार्जिंग सॉकेट कितना है, 2 है ना? रूम में आप देख सकते हो हमारा टोटल 3 एसी है, जिसमें से 2 चल रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस में है, और बाकी एक मेंस बाथरूम और एक एक फीमेल बाथरूम, ठीक है। बाकी हम लोग अभी चारों के चारों यहीं चिल आउट करेंगे, यहाँ पे थंबनेल शूट हो रहा है तापसदा का। विधान दा यहाँ पे मस्त गाना सुन रहे हैं, अलग दुनिया में है। गोंगा सतलज एक्सप्रेस
रात्रि रात में है 9:50 में है, तो अभी वेटिंग में। तो हम लोग सबको लोअर सीट मिला है क्योंकि हम लोग आरएसी में थे, कंफर्म हो चुका है, तो चलो ट्रेन में बोलते हैं। गाइस अभी हो चुका है हम लोग का ट्रेन आके यहाँ पे लग चुका है। हमारा आरएसी 81, 82, 83 था, लेकिन लास्ट टाइम में ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, मुझे मिला है लोअर को मिला है भाई, ये है अपना, बस चार्जिंग पोर्ट काम कर रहा हो भाई, रात बढ़िया हो जाएगा फिर। बाकी विधान लोग का यहाँ सब कैसे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके ड्यूटी में यदि कोई बाधा डालेगा इस तरह से आप क्या करिएगा? नहीं ना उतना का रसीद मैडम जब बात कर रहे हैं जेंस तो बात करने दीजिए। देते हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे, यहाँ कम ले लीजिए, ऐसा कीजिए दोनों का आप ठीक है ना, दोनों को दीजिए और कंट्रोल को मैसेज करिए। समझ में नहीं आ रहा आपको ना, दोनों का कितना हो रहा है? वो तो भी तो आउट होगा, उसका टिकट लिया है बच्चे का, बच्चे का नहीं। विधान दा आइए दा हमरा बिहार में हम लोग ना 139 कॉल लगा के ना टीटी को कंप्लेन कर देते, मतलब टीटी को बोलेंगे हर बार आ रहा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, टारगेट कंप्लीट हो रहा नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद बोल रहे पहला टीटी देखे जो टारगेट कंप्लीट कर रहा है, घंटा में आके मुंह के कान के सामने टिकट 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 टिकट। तो भाई सुबह हो गई है अपनी, और कैसा लगा रात? बहुत ही बहुत बकवास रात था। भी हो। पहले कोई टिकट के लिए उठा रहा, फिर बेचारा टीटी जी का अपना टारगेट पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग जर्नी के लिए भाई एसी इज द मस्ट, एकदम मस्ट है एसी मस्ट। और अब हम लोग का कुछ एक घंटा में 1.5 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे, लगभग और आधा घंटा में पहुँच जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। देखो पहुँचने वाले है अयोध्या, अब मोटा एज यूजुअल, ये देखो पेट, देखो पेट सोया हुआ है, पेट देखो दो सीट तक फैला हुआ है अपना। मोटा को रात को हेवी हम लोग हड़काया था, मोटा क्या बोल रहा है स्पीकर है हम लोग रात में, क्या हुआ ना कि शिवम को बोले भाई जल्दी से आ जा जल्दी से आ जा, हम लोग का बोगी में आ जा, मोटा आ गया हेवी स्पीड में, इनको भी फोन किया आपको भी फोन किया, ठीक है कहा हो गया कहा हो गया हाय, हम लोग बस रात को 3 बज रहा था, बोले बस हैप्पी बर्थडे तुमको याद किए, बेचारा बने बन पूरा गाली दिया होगा। जय सिया राम। अभी हम लोग हैं अयोध्या में, अयोध्या हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा जो ट्रेन है निकल रहा है ये देखो। तो भाई ट्रेन जर्नी तो है, ट्रेन जर्नी मतलब मजा आता है, लेकिन अगर लेट कर जाए ट्रेन तो बुरा भी लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ क्या रहेंगे, क्या रहने का व्यवस्था है, क्या रूम वगैरह हम लोग लेंगे। क्यों विधान? जय श्री राम, जय श्री राम। जितना बड़ा एरिया में बना है, जितना बड़ा बना है हमारा अयोध्या धाम का जंक्शन, मतलब बवाल बना है ना। पिछला साल आया था भाई, उससे इतना जल्दी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ ना, क्या भाई देखिए कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पे आदमी लोग रेस्ट कर सकता है, वेटिंग एरिया है, ठीक है बहुत बड़ा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है,
मतलब अगर कोई धार्मिक जगह है, कोई भी धार्मिक स्थल है, तो ऐसे ही कुछ जगह होना चाहिए कि भीड़ वगैरह मैनेज आराम से हो पाए। और क्या लग रहा है, ब्यूटी है ब्यूटी। और भी आगे बन रहा है, अभी और आगे बन रहा है, क्या खूबसूरत बन रहा है। और सर कैसा बना है? कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तगड़ा बनाया गया है। और ये मतलब लगता ऐसा है ना कि भाई तुम एयरपोर्ट में आ गए हो। स्क्विरल है, क्या खूबसूरत जगह है भाई। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। अब पूरा बड़ा कर रहा है क्यों तबसदा? एकदम एकदम पूरा चौड़े में चले, पूरा चौड़ा चौरीकरण। देखो भाई पूरा तोड़ दिया गया है, एकदम वेल प्लान बना रहा है भाई। ट्रेडिशनल और सब एक ही कलर होगा, क्या कलर होगा? एकदम भगवा कलर होगा। लास्ट हम लोग कब आए थे तबसदा? लास्ट हम लोग आए थे 8 महीना हो गया, 8-9 महीना हो गया आए हुए एकदम। और अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग आ रहे हैं दीप उत्सव में, यानी जब रामलला आए थे तब आए थे, और रामलला आने के बाद की पहली दिवाली दिखाएंगे इस बार। पहली दिवाली नहीं, सेकंड होगा आई थिंक, है ना? पहला है ना, रामलला विराजमान होने के बाद पहला है, क्योंकि 22 जनवरी को हुआ था, तो ये पहला है। आप देखो रामलला की क्या है कि हमें कहाँ लेके चलते हैं, वो यहाँ लेके चले वो वहीं जाएंगे। हम लोग अभी जहाँ रुके हैं ये है माँ जानकी होम स्टे, ठीक है। मंदिर यहाँ से अपना जो हनुमानगढ़ी मंदिर है 300 मीटर, ठीक है। बाकी आप जगह देखो, बहुत ही खूबसूरत जगह है, होम स्टे है, आपको पता ही है होम स्टे मतलब अपना जो घर होता है उसी में वो लोग होटल करके रहते हैं। तो ये देखो माँ जानकी पेइंग गेस्ट हाउस, ठीक है। नंबर वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो, मैं यहाँ का लोकेशन डाल दूंगा। तो चलो आपको, चलो मैं दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है, देख लो। ये हम लोग आएंगे ऊपर, और आने के बाद हमारा रूम ये है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। जब हम लोग 4 लोग हैं तो ये अपना रूम, 2 डबल बेड है, ठीक है। तो आराम से 4 लोग आएंगे, प्लस आप देख सकते हो एसी परमानेंट फुल डे चलेगा। ये कुछ रूम है, 2 फैन है अपना, रूम बहुत ही बढ़िया है, सफिशियंट है। और ये रूम आप भरोसा नहीं करोगे कि हमें दीप उत्सव के टाइम में 1000 रुपये एक दिन का मिला, एसी फुल टाइम चलेगा भाई, फुल टाइम। अब चलो मैं आपको बाथरूम का दिखा दूँ सीन भाई। ये देखो ये है अपना बाथरूम, इंडियन है अपना, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तापोस दा कैसा लगा रूम? मस्त रूम मिल गया ना, सेम रूम भाई, सेम रूम धर्मशाला में हम लोग को 2000 में मिला था, ठीक है। अब ये जगह पे हम लोग को ये मिला सिर्फ 1000 रुपए में, और प्लस हम लोग रात को 9 बजे जैसे 8-9 बजे चेकआउट करेंगे तो 500 रुपए बस एक्स्ट्रा देंगे, और टोटल हम लोग 3.5 दिन रुकेंगे, 3500 रुपया देंगे, फुल टाइम एसी चलेगा, 2 डबल बेड रहेगा, सब कुछ भाई इस बेस्ट है। और मंदिर यहाँ से सिर्फ 300 मीटर मंदिर है सामने, आप हनुमानगढ़ी राम मंदिर, प्राणलला का जो मेन मंदिर है वहां पर भी जा सकते हैं एकदम। तो सब कुछ है, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लोकेशंस आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेकआउट कर दीजिए। बाकी जो वेटिंग रूम हमने आपको धनबाद में दिखाया तो वो बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल फ्री था ना था पुष्दा? एकदम फ्री भाई, बिल्कुल फ्री था। तो मिलते हैं एक नए दिन एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।